देखिए बच्चा, आज आप पढ़ेंगे बहुपद। बहुपद में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का बहुत यूज होता है, जानते हो कि नहीं? जैसे मान लो कि ये एक्स का स्क्वायर हो गया प्लस 3x हो गया, ये भी एक प्रकार का बहुपद है। तो पहले तो हम आपको बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट वाला अलजेब्रा पढ़ा दें, तब उस पर चलेंगे, क्योंकि जब तक आप बेसिक अलजेब्रा नहीं जानोगे तब तक आपको ये बहुपद वाली कहानी समझ में नहीं आएगी, ठीक है? इसलिए ध्यान देना इधर साइड में। एकदम मस्त दिख रहा है ना, बोलो सभी यस। एकदम मस्त दिख रहा है ना भाई राजेश, रीमा, आओ देखो इधर। साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे आज बेसिक अलजेब्रा, ठीक है? एकदम बेसिक वाला अलजेब्रा, समझना मैं क्या बोलने वाला हूँ, समझना। तो इसमें क्या होता है, जैसे बहुपद पढ़ेंगे तो आपको पहले तो ये जानना चाहिए कि बहुपद होता क्या है। लेकिन बहुपद से पहले आपको पद के बारे में जानना चाहिए, टर्म्स, ये क्या होते हैं, है ना? और उसके लिए आपको बेसिक अलजेब्रा आना चाहिए। तो आज की क्लास में हम उसको डिस्कशन करेंगे, उसके बाद कल से आपका किताब वाला पढ़ाएंगे, ठीक है बच्चों? चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे चर पद। इनको आप जानते हो कि नहीं, बताओ? अचर पद, ये नंबर ए बी और सी क्या है? गुणांक। चर पद, अचर पद, गुणांक और एक क्या है अगला? बीजगणितीय व्यंजक। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसे बोलते हैं, समझते जाओ इधर साइड में। देखिए बच्चों, यहाँ पर मैं क्या बताने वाला हूँ, समझना थोड़ा सा। जब ये सारी चीजें आप जानेंगे तब आप पद के बारे में समझेंगे, तब फिर हम आपको बहुपद पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आएगा। ऐसे अगर मैं डायरेक्टली बहुपद पढ़ाने लगूं तो मजा नहीं आएगा। देखो, तो चर पद किन्हें बोलते हैं जिनका नाम वेरिएबल है? इंग्लिश में इन्हें वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेरिएबल, ठीक है? वेरिएबल क्या होते हैं समझो साथियों, जो ए से लेकर के जेड तक के लेटर होते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, ये क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं, जिन्हें चर पद बोलते हैं, ठीक है? आप मुझे ये बताओ टोटल कितने होते हैं फिर, ये कोशिश करो बताओ कितने होते हैं टोटल। देखो, वेरिएबल्स मैंने बताया कि ए से लेकर के जेड तक होते हैं ना, तो इनकी संख्या निश्चित होती है, इनके मान अनिश्चित होते हैं, ये वक्त वक्त पे बदल जाते हैं अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग। यानी एक इक्वेशन में, एक समीकरण में अगर दो चर पद दिए हैं तो इनके मान अगले चर पे डिपेंड हो जाते हैं, अगर वो बदलता तो ये भी बदल जाते हैं, ठीक है? देखो, तो इनकी संख्या टोटल कितनी है भैया? इनकी टोटल संख्या होती है 26, ठीक है? कितने? 26, 26। बाकी बात करें, ये अचर पद क्या होते हैं जिन्हें कांस्टेंट बोलते हैं? ये कांस्टेंट क्या है? ये क्या है, समझना? देखो इधर, ए बी सी डी ई एफ जी तक ना, ये वो सभी नंबर हैं जैसे 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक, जिन्हें हम गिनते हैं, ये क्या है? कांस्टेंट है, यानी जिन्हें अचर पद बोलते हैं। एक प्रकार से ये 1 से स्टार्ट होके अनंत तक जाते हैं, आप नेचुरल नंबर मान लो इन्हें, कि ये क्या है? नेचुरल नंबर है। क्या है? ये नेचुरल नंबर, ठीक है? तो इनकी संख्या अनंत होती है, इनकी कोई निश्चित नहीं होती है, और इनके मान हमेशा फिक्स होते हैं, बदलते नहीं है, ठीक है? कहीं अगर 5 है तो 5 की जगह 4 नहीं होगा कभी, वो कम ज्यादा नहीं होगा, अदले बदलेगा नहीं, उसका मान कुछ और नहीं आएगा। लेकिन जो वेरिएबल्स होते हैं इनके मान चेंज हो जाते हैं, समझ गए कि नहीं? आपको इसमें ज्यादा नहीं समझना, बस थोड़ा थोड़ा समझो। अगर बात करें गुणांक क्या होता है, कोफिशियंट, जिन्हें कोफिशियंट बोलते हैं इंग्लिश में, स्पेलिंग हो सकता है कुछ अलग हो, बाकी इंग्लिश ऐसे ही होती है, कोफिशियंट।
जब चर और अचर दोनों का एक साथ में मल्टीपल हुआ रहता है, जैसे देखो अगर मैंने एक पद लिखा, मान लो इसको ए नंबर है 3x, ठीक है, एक मैंने लिखा 9y का स्क्वायर, एक मैंने लिखा 7xy का स्क्वायर, तो साथियों इसमें जो गुणांक है, कोफिशियंट है एक्स का, वो क्या है बोलो? वेद प्रकाश, चंद्रशेखर, अर्पिता, बताइए इसमें कोफिशियंट क्या है? 23 है ना, एक्स का गुणांक क्या है? 3 है, 3 है ना, 3 है ना। इसमें वाई स्क्वायर का गुणांक क्या है बोलो? बताओ भाई क्या है? इसमें एक्स वाई स्क्वायर का गुणांक क्या है? देखिए उस डिजिट को जिसके बारे में पूछा जा रहा है, मतलब पद को छोड़कर बाकी जो है वो उसका गुणांक है। जैसे इसमें बोले वाई स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो इसमें वाई स्क्वायर के साथ 9 लगा है तो इसका गुणांक 9 है। इसमें अगर मैं बोलूं कि यक्स वाई स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो यक्स वाई स्क्वायर का गुणांक 7 है, समझ में आया ना। लेकिन अगर मैं बोलूं भैया इसमें वाई स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो बोलो क्या होगा? सिर्फ वाई स्क्वायर का गुणांक क्या होगा? उत्कर्ष देवगन, अनीस कुमार, अरविंद तिवारी, हाँ बोलो ना बोलो। ऋतिक, ठीक है। देखो बच्चा गुणांक का मतलब मैंने कहा कि वाई स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो आपको वाई स्क्वायर को छोड़ करके जो है वो पूरा इसका गुणांक है। तो सिर्फ वाई स्क्वायर की बात करेंगे तो 7 के साथ यक्स भी इसमें लग जाएगा, यानी 7x, सिर्फ 7 मत समझना, यक्स भी है उसके साथ में, ठीक है। शेषनाथ, सारा समझ में? बच्चा आप लोग क्लास को लाइक शेयर भी किया करो बाबू, ठीक है। संख्या बहुत कम आ रही है आजकल, 9th वाले बच्चे सब 10th में चले गए, डिस्टर्ब चल रहा है ना सब। चलो तो ये हो गया गुणांक वाला। अब बीजगणितीय व्यंजक की बात करें तो एक प्रकार से ये जो पद मैंने लिखा है नीचे, यही सब बीजगणितीय व्यंजक भी होते हैं। यानी एक ऐसा पद, ऐसा टर्म्स जिसमें चर और अचर दोनों का जोड़ घटाना गुणा भाग मतलब किया गया रहे, वही बीजगणितीय व्यंजक होता है। क्या होता है वो? बीजगणितीय व्यंजक होता है, ठीक है, समझ रहे हो ना। आओ बात करें आगे, इनको मिटा दीजिए। इनको मिटा दीजिए, आगे बढ़िए। चलिए देखो, समझो, आओ चलो आगे बढ़े। क्या बात हो रही थी? गुणांक, कोफिशिएंट ना, ये हो गया बीजगणितीय व्यंजक। देखो बीजगणितीय व्यंजक क्या है भैया, जैसे मान लो मैंने यक्स लिखा धन 7, ये क्या है? एक प्रकार एक बीजगणितीय व्यंजक है, एक बहुपद है जिन्हें बोलते हैं, है ना। बहुपद क्यों है? आप कहोगे ये बहुपद क्यों है, आखिर बहुपद होता क्या है? आप बीजगणितीय व्यंजक समझ लिए। जैसे देखो ये लिखा है 7yx का स्क्वायर वगैरह वगैरह, ये एक प्रकार ये बीजगणितीय व्यंजक, ठीक है। कोई भी जिसमें चर अचर दोनों मिला करके बने वो क्या है? बीजगणितीय व्यंजक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। पहले आप सभी मुझे ये बताओ, सभी जितने बच्चे जुड़े हैं, क्या आपने इसके पीछे की सारी क्लासें देख लिया कि नहीं? बोलो हाँ या नहीं, फटाफट बताओ, सब देख लिया कि नहीं देख लिया? कमेंट में सबका देख रहा हूं। इसके पहले 7 क्लास लगभग चल चुकी है ना, चल चुकी है ना। देख लियो, ठीक है भाई उत्कर्ष, वेरी गुड, सब देख लियो। ठीक है,
देखिए समझिए, हम बात कर रहे थे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की ना साथियों, इनमें कई तरह का होता है, जैसे ये प्लस हो गया, माइनस हो गया, वगैरह वगैरह कई रूप में। तो देखिए ये टर्म्स क्या होता है, जब अगर इसके बीच में जो भी चिन्ह लगे हैं उनको कंप्लीटली हल कर लिया जाए, सिंप्लीफाई कर लिया जाए और उसमें कुछ ना किया जा सके, उसके बाद अगर उसके बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह कहीं नहीं लगा है तो वो हमेशा एक पद माना जाता है। जैसे इसमें देखो कहीं एक्स वाई चिन्ह लगा है, नहीं लगा है ना, इसका मतलब ये एक पद है, एक पद है, ठीक है, एक पद ये व्यंजक है। लेकिन इसमें बताओ क्या ये दोनों जुड़ सकता है, बोलो। जैसे भैया अगर तीन एक्स में एक एक्स जोड़ के हम चार एक्स लिख सकते हैं, क्या इसको सेवन एक्स जोड़ के आठ एक्स लिख सकते हैं क्या, बताओ एक बार कोशिश करो। क्या इसमें कुछ हो सकता है, बताओ स्टडी सूरज आंचल जायसवाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अमित जी गुड इवनिंग, बोलो हो सकता है कि नहीं, अरे बोलो शर्मा कह रहे हो, नहीं हो सकता है। देखो ये दोनों सजातीय पद थे, पहले आपको सजातीय पद भी इसमें पढ़ाना पड़ेगा तभी आप समझ पाओगे, नहीं तो नहीं समझ पाओगे। तो भैया ये दोनों सजातीय पद थे लाइक टर्म से, इसलिए जुड़ गए, लेकिन ये सजातीय पद नहीं है, एक चर है एक अचर है, कभी कोई चर किसी अचर में नहीं जुड़ सकता है जब तक उसके साथ में कोई चर पद ना लगा हो। अगर अचर के साथ में जो कंस्टेंट है उसके साथ सेम वेरिएबल लगा हो और सेम घात में लगा हो पावर में तो जुड़ जाएगा। देखो जैसे इधर अगर ये एक्स प्लस सेवन एक्स जोड़ते तो ये आठ एक्स हो जाता, लेकिन ये अकेले जूरा झार नहीं जुड़ेगा। ऐसे समझ लो जैसे अगर आपने एक कुत्ता पाल रखा है डॉग, और उसको सोचो कि उसके बुखार है, उसको टैबलेट खिला दे, ले बेटा खा ले, तो नहीं खाएगा। उसको किसी चीज में मिला करके दूध में रोटी में चुप्पे से दोगे बिस्किट वगैरह तो खा सकता है, समझ रहे हो ना, लपेटा में आकर के, ऐसे नहीं खाने वाला दवाई। तो ये वैसे नहीं जुड़ने वाला, इसको लपेटना पड़ेगा किसी के साथ में, समझ रहे हो ना, नरेंद्र कुमार आ रहा समझ में। चलिए आगे बढ़े, तो अब हम इसमें पहले आपको सजातीय पद भी बताएंगे, सजातीय पद भी बताएंगे तब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सजातीय पद देखो, आओ समझो सजातीय पद देखो, इसमें सजातीय विजातीय, सजातीय पद विजातीय पद, हाँ सजातीय पद और विजातीय पद, समझो थोड़ा जरा देखो। सजातीय पद क्या है भैया, जिसे बोलते हैं लाइक टर्म्स, क्या बोलते हैं लाइक टर्म्स। देखो बेटा जैसे इसमें दो चीज देखते हैं, नंबर एक चर समान हो, नंबर दो घातें बराबर हो, ठीक है, चर समान हो और घातें बराबर हो, ये चीज यहां पे देखी जाती है, समझो। जैसे अगर मैंने एक वेरिएबल्स लिखा, वेरिएबल्स और कांस्टेंट मिला के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 7x, और एक मैंने लिखा यहां पर बच्चा 12x, तो क्या ये दोनों सजातीय हैं? देखो समझो और बताओ, मैं बताता हूं, आओ देखो प्यार से। इसमें जो x है तो भैया इसमें भी x है, इसमें अगर कोई घात नहीं होती है तो क्या होता है, पावर 1 मानी जाती है हमेशा, वन। इसको इंग्लिश में समझ लो, जो वेरिएबल्स हैं वो इक्वल होना चाहिए बेटा दोनों में, दोनों टर्म्स में वेरिएबल इक्वल होना चाहिए। अगली बात उनकी पावर इक्वल होनी चाहिए, पावर यानी घात, तो इसमें वेरिएबल इक्वल है मतलब समान है, पावर भी इक्वल है बराबर है, तो इसलिए क्या है सजातीय पद है। एक चीज और ध्यान देना, इसके साथ में जो नंबर लगा होता है आगे, ये कांस्टेंट, इससे कोई मतलब नहीं होता बेटा, ये ज्यादा कम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इससे कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हो ना।
जैसे आप देखते हो आपके कॉलेज में, स्कूल में, आप 9th में पढ़ रहे हो, बहुत से लड़के लड़कियां पढ़ते हैं, बॉयज गर्ल्स, आप लोगों में कुछ लोगों से दोस्ती हो जाती है ना, गहरी वाली, सबसे तो नहीं होती ना, होती है नहीं ना। मान लो कि आपका दोस्त नॉनवेज खाता है, मतलब दोस्त नहीं सॉरी साथ में पढ़ने वाला है, और रोज लेके भी आता है, और आपको नॉनवेज बिल्कुल नहीं पसंद है, तो क्या आपकी उससे दोस्ती हो जाएगी? नहीं ना, नहीं होगी ना। अगर वो अगला खूब गाली देता है, भाई बाहर जाता है पार्क में घूमने खेलने जाता है, खूब गाली देता है, और आप बहुत सीधे संस्कारी घर से हो, तो क्या आपकी दोस्ती होगी उसके साथ? हमारे समझ से तो नहीं होगी, आप दूर ही रहोगे उससे। लेकिन अगर आप भी उसी जैसे हैं तो दोनों में बहुत गहरी दोस्ती हो जाएगी, समझ रहे ना। लेकिन अगर आप सीधे साधे हैं, अच्छे हैं, भोले भाले हैं, और वो भी भोला भाला अच्छा सा है, मतलब पढ़ने लिखने में तेज है, पढ़ाई लिखाई बढ़िया करता है, तो आप लोगों में दोस्ती हो जाएगी, है ना। तो वैसे क्या है भैया, इनमें भी गुण प्रगुण मिलने चाहिए। सजातीय, सजातीय का मतलब समान जाति का, समान कैटेगरी का। जैसे अगर कोई स्कूल है उसमें 50 बच्चे हैं, उसमें 25 बच्चे बहुत पढ़ाई करते हैं अच्छे से, हमेशा पढ़ते हैं, सबसे विनम्र भाव से बात करते हैं, और 50 बच्चे ऐसे हैं जो गाली गलौज करते हैं, किसी को मिलते तो थप्पड़ मार देते हैं, कभी पढ़ते लिखते नहीं, गधा टाइप के हैं, तो दो कैटेगरी है ना, एक वो गधा वाली और एक पढ़ने लिखने वाली। तो समान जाति या सजातीय की बात करेंगे तो पढ़ने लिखने वालों से ही दो लड़के होना चाहिए, या फिर गधा वाली गोल से दो लड़के होना चाहिए, समझ रहे हो ना। तो वह इसमें इसमें क्या है, समान जाति सजातीय का मतलब है, ठीक है। अच्छा ये बताओ अगला देखो, मान लो 19x^5, अगला मान लो 25x^9, ये दोनों क्या है, सजातीय है या नहीं है? बोलो ये सजातीय है या नहीं है, बताओ। है या नहीं, है या नहीं, है या नहीं, क्या है बोलो। देखो समझो, यहाँ पे क्या करना है, समझना है आपको, इसमें जो वेरिएबल से इक्वल है, अमित दुबे बहुत अच्छे, शिवम विश्वकर्मा, वेरिएबल्स दोनों में यक्स यक्स है, बट इनकी पावर अलग अलग है भैया। पहला कंडीशन तो फॉलो कर रहे हैं, दूसरा का नहीं कर रहे हैं, यानी ये सजातीय नहीं है। क्या है ये लाइक टर्म्स नहीं है, सजातीय का मतलब लाइक टर्म्स, ठीक है, ये लाइक टर्म्स नहीं है, सजातीय पद नहीं है। अच्छा अगर ये बताओ, इसकी घात 5 है और इसकी घात ये मैंने 5 कर दिया, इसको 15 कर दिया, क्या अब ये सजातीय हो गया? हो गया ना, अब ये सजातीय कि नहीं हो गया, अब ये सजातीय पद बन गया, ठीक है। कांस्टेंट माइनस भी हो सकता है जी, बिल्कुल हो सकता है, माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है, ठीक है भैया, ठीक है बाबू ना, हाँ चलो। तो ये हो गया, आगे बढ़े, चलो देखो आओ, चलो समझो आओ, देखो इधर क्या बात कर रहे थे हम लोग, पढ़ाई लिखाई की बात कर रहे थे ना। सजातीय और विजातीय पद देखो, जैसे एक मैंने लिखा 20xy का स्क्वायर और ये 15x²y², ये सजातीय है कि नहीं, बोलो हाँ या नहीं, क्या ये दोनों लाइक टर्म्स हैं? क्या ये दोनों लाइक टर्म्स हैं कि नहीं, बताओ। देखो पहले तो इसमें चर पद देखो बराबर है कि नहीं है, इक्वल है कि नहीं है, तो भैया इसमें चर क्या है, इक्वल है, वेरिएबल इक्वल है, इसमें भी एक्स है, इसमें भी वाई है, ठीक है, इसमें भी एक्स है, इसमें भी वाई है, लेकिन इसमें जो पावर है वो सिर्फ 2 पे लगी है, सॉरी वाई पे लगी है, एक्स पे नहीं लगी है, एक्स पे नहीं लगी है, यानी ये सजातीय पद नहीं है, ये दोनों लाइक टर्म्स नहीं है, ये अनलाइक टर्म्स हैं, जिन्हें विजातीय पद बोलते हैं। क्या है ये? विजातीय पद है, समझ रहे हो कि नहीं? हाँ अच्छा, अगर -3x है और ये प्लस का 7x है, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं या नहीं? पिंटू ठाकुर, शिवम विश्वकर्मा, आशुतोष, शिवम यादव, बोलो ये किस तरह के हैं?
है कि नहीं है, है कि नहीं है? हाँ बताओ, कोशिश करो एक बार, आगे बढ़े। चलो देखो, ठीक है, समझो, यहाँ पे ये सजातीय पद हैं, ये हैं। हाँ कमेंट देख रहे हैं, सबका पढ़ाई भी ध्यान दो। चलो ये हैं, माइनस प्लस हो सकता है, तो आप सजातीय विजातीय समझ गए। तो एक बात याद रखना बेटा, जो सजातीय पद होते हैं उनको ऐड कर लिया जाता है, उनको जोड़ लिया जाता है, वो घटा लिए जाते हैं, लेकिन जो विजातीय पद होते हैं, अनलाइक टर्म्स होते हैं, वो जुड़ते घटते नहीं है। क्या होते हैं वो जुड़ते घटते नहीं है, समझो। इधर साइड में एक मिनट रुकना थोड़ा सा आप लोग। हेलो, हेलो, आवाज आ रही? चलिए कुछ एग्जांपल देखिए, एग्जांपल देखिए। जैसे पहला मान लेते हैं, मैंने लिखा 9x प्लस 3x प्लस 2, तो ये क्या जुड़ घट सकता है? बोलो, जुड़े घटेगा तो कितना आएगा, करके देखो, मुझे बताओ कितना आएगा, सोचो बताओ। देखो बच्चा, इसमें दो तरह के पद हैं, दो तरह का मतलब एक तो है जिसमें सजातीय विजातीय दोनों हैं, यानी एक बीजगणितीय व्यंजक भी है प्लस उसके साथ कंस्टेंट भी लगा है। क्या है? कंस्टेंट भी लगा है। देखो समझो, तो 9x और 3x इसको जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा? 12x और प्लस का 2, ठीक है, ये क्या हो गया आपका, क्या हो गया आपका, ये हो गया इतना ही बस, इसमें आगे कुछ नहीं करना है, आगे कुछ नहीं करना। देखो एक चीज और समझो, ये इसमें नहीं जुड़ सकता है, ये अनलाइक टर्म्स है, ओ सॉरी, ये सजातीय पद थे जुड़ गए, ठीक है, ये सिर्फ वेरिएबल नहीं, सिर्फ कांस्टेंट है। अगर ये सिर्फ कांस्टेंट है तो इसमें नहीं जुड़ेगा, ठीक है, ये जुड़ेगा नहीं, साथ में लिखा जा सकता है। इसमें एक काम कर सकते हो, आप चाहो तो कॉमन ले लो, तो 2×12 + 1 इतना हो सकता है, लेकिन अभी ये बाद में बताएंगे, इतना लेवल अभी आगे नहीं पढ़ाना है, ठीक है, क्योंकि आपको अभी मैं सिखा रहा हूं, ये आपका चैप्टर 2.01, कक्षा 9 की गणित चैप्टर जो आपका 2.1 है बहुपद वाला, वो पहला अध्याय में इंट्रोडक्शन पढ़ा रहा हूं। इंट्रोडक्शन पढ़ लो तो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना बच्चा। चलो भाई, ये लिंक बना के लाया हो मनोज, 7xy² + xy² और +xy² क्या इसको जोड़ा जा सकता है, घटाया जा सकता है, बोलो। हाँ देखो समझो, बताते हैं, इधर देखो भाई, ये 7xy² है, ये xy² है, ये xy² है, इसमें अगर देखो तो सब में एक्स वाई है, सब में एक्स वाई है ना। तो वेरिएबल तो सब में इक्वल है, पावर इसमें वाई का स्क्वायर है, इसमें स्क्वायर है, इसमें स्क्वायर है, इसमें एक्स वन है, इसमें भी एक्स वन है, इसमें भी एक्स वन है, तो वाई क्या है, वाई 2 है, एक्स वन 1 है, ये सभी जुड़ सकते हैं आपस में, तो जुड़ जाएंगे 7 × 1 = 8 = 9, फाइनल में 9xy² भाई, ये 1 है, हाँ ये भी 1 है, तो 7 × 1 = 8 = 9, 9xy² ठीक है, कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी नहीं ना। चलो आगे बढ़े, शिवम ठीक है, मोनिका वैष्णव पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, आगे बढ़े भाई, इनको मंगला कुमार को इनको हटाइए यहाँ से,
इनको हटाइए, पढ़ने वाले नहीं, इनकी जल रही अंदर से, तकलीफ हो रही नहीं। आगे बढ़ा जाए, देखो समझो आगे क्या दिख रहा है। एक बटा तीन एक्स वाई का स्क्वायर और प्लस एक बटा दो एक्स वाई स्क्वायर, इनको जोड़ा घटाया जा सकता है कि नहीं? इनको जोड़ा घटाया जा सकता है? देखो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ ये समझना है कि ये सजातीय पद है या नहीं, आप लोग करके बताना, ठीक है। एक और, नाइन एक्स वाई का स्क्वायर प्लस एक्स वाई का स्क्वायर प्लस तीन एक्स वाई का स्क्वायर, इनको जोड़ घटा के बताओ। आगे देखो, माइनस सेवन एक्स स्क्वायर वाई और प्लस तीन एक्स स्क्वायर वाई प्लस नौ एक्स प्लस एक्स, इनको जोड़ के बताओ, आप लोग बताओ कितना आएगा भाई। कमडी मौज वाले आए हैं कि नहीं? व्हाट्सअप यादव, क्या बोलते हैं नाम, ऐसे कुछ है ना वो जो उस दिन आया था। आए हैं तो बोलिए। हाँ हाँ हूँ कुछ बोलिए। इसमें से कितने लोग इनको कर लेंगे, कितने लोग कर लेंगे, सभी कर लेंगे तो बोलो हाँ। मतलब चुपचाप आए हैं का, कितने लोग कर लेंगे, सभी लोग हल कर लोगे? ये बीजगणितीय व्यंजक अगर आपने सीख लिया, अभी आप नाइन्थ में हैं, आपको बहुपद पढ़ना है, तो आपके बहुत काम के आएंगे आगे चल के। अगर आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे या कुछ भी, अगर आप बेसिक, अगर आपको ये चीजें मालूम रहेंगी तो आपके लिए अच्छा रहेगा, नहीं तो आगे बीजगणित समझ में नहीं आएगी, अलजेब्रा के क्वेश्चन मिलेंगे फिर आपको पल्ले नहीं पड़ेगा, समझ रहे ना। देखो पहले में भी जुड़ जाएगा क्योंकि ये सभी सजातीय पद हैं, ये सभी क्या है, सजातीय पद हैं। देखो इसमें एक्स है वाई है, एक्स है वाई है, इसमें स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर है, यानी घाते दो दो हैं वाई की ना, एक्स की वन वन है, तो भैया ये जब सजातीय पद हैं तो जुड़ जाएंगे। अब अगर तुम्हें ये भिन्न जोड़ना आता है तो आंसर फाइनल में लिख लो, बाकी पूरा का इसकी कहानी लटका के क्यों चलोगे। तिरछा गुणा कर लो, दो एकम दो और तीन एकम तीन और तीन दुना छह, पांच बटा छह कितना आएगा, फाइव अपॉन सिक्स, क्लियर। कितना आया बच्चा, पांच बटे छ, कितना आया, पांच बटे छ हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो फाइनल में इसे हम लिख सकते हैं पांच बटे छ एक्स वाई का स्क्वायर, बस इतना ही करना था, ठीक है, समझ में आया, सबको समझ में आया। अच्छा इसको भी जोड़ सकते हो आपकी, नहीं बोलो कितना आएगा, जवाब दीजिए। ये कामडी मौज कौन दो आ गया भाई, हाँ बताओ कितना आएगा। अरे उसके जैसे कोई नहीं बन सकते हो, बहुत मुश्किल से बनाया है उसे, कितना आएगा बताओ, सेकंड वाला बताओ, जवाब दीजिए। देखते हैं सबसे पहले कौन बता रहा है। अरे वो उसकी स्पेलिंग भी गलत है, ये तो सही सही लिखा है, बोलो जल्दी कितना आएगा। अब मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, अब लास्ट टाइम चल रहा है, मैं सिर्फ पूछूंगा बस, अब तक मैं पढ़ा रहा था। कितना आएगा, नहीं समझ में आ रहा जिनको वो नो लिख के कमेंट करें, जिनके कुछ नहीं पल्ले पड़ रहा है वो नो लिख के कमेंट करें कि मुझे नहीं आ रहा है। अरविंद तिवारी और कोई एनीवन, शिवम, जिनको कुछ नहीं आ रहा है ये सब समझो मज में, वो नो लिख के कमेंट करें, ये सबसे आसान है। इसमें देखो बच्चा पद तो कईयों ही हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सभी सजातीय हैं। इसमें देख लो फिर, इसमें दो तरह के पद हैं, एक तो ये डबल घात वाले हैं और एक सिंगल घात वाले हैं, है ना।
समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? गौरव सिंह, मनीष, वैष्णो, ठीक है। अच्छा ये सबसे आसान है नो लिखना, और वो कहाँ गए भाई जिनको मैं बोल रहा था अभी तक, जिनकी कमेंट मेरी नजरें खोज रही, वो कहाँ गए? उनका नो या यस कुछ नहीं है, आए थे वैसे ही। चलो ठीक है जाने दो। तो देखिए इनको आप जोड़ सकते हो, इनमें दो तरह के पद हैं, यक्स वाई का स्क्वायर, यक्स वाई का स्क्वायर, यक्स वाई का स्क्वायर, ये तीनों जुड़ जाएगा बीच वाला छोड़ के, तो 9 1 10 और ये 3 13 कितना आएगा? 13। कितना आएगा? 13। तो ये हो जाएगा 13 यक्स वाई का स्क्वायर प्लस यक्स वाई, ठीक है। और ये क्या होगा, जुड़ेगा कि नहीं? ये जुड़ेगा कि नहीं बताओ भाई। इसमें देखो कई तरह के पद हैं, समझो ये दोनों आपस में घट जाएंगे, प्लस माइनस है, ठीक है, और उधर वाला आपस में जुड़ जाएगा, ठीक है। तो आज का क्लास बंद किया जाए कि अभी और आगे चलाया जाए? कर लोगे आप लोग? तो इस तरह से साथियों अगर हम बात करें, ये कितना पदीय व्यंजक है बोलो, ये कितना पदीय व्यंजक है? अगर जुड़ घट करके फाइनल में एक पद आ गया तो आप कहेंगे ये एक पदीय व्यंजक है। क्या है? एक पदीय व्यंजक है। और अगर वो पूरा तरह नहीं जुड़ पा रहा, जैसे ये लिखा तो गया था पहले 1 2 3 4 पदीय था, लेकिन जुड़ने के बाद 2 पद में आ गया, यानी ये 2 पदीय व्यंजक है। क्या है? ये 2 पदीय व्यंजक है। ये कितना पदीय है बोलो, ये कितना पदीय व्यंजक है? लास्ट वाला बताओ। अभी आगे 2.1 पढ़ोगे तो उसमें यही पढ़ना है कि कितना पदीय व्यंजक है, एक पदीय, दुई पदीय, तीन पदीय, ये सब पढ़ना पड़ेगा आगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई तकलीफ है तो बताओ, क्लास के बारे में कुछ कहना है तो बोलो। नहीं ना, कहाँ गए भाई, ये भाग गए क्या? भाग गए कि हैं? चलिए देखिए अब मतलब की बात करते हैं, ये सब तो थी बिना मतलब की बात। अगर बीच में गुणा का चिन्ह लगा हो, जैसे ये मान लो 3/2 गुणा एक्स वाई अपान एक्स, देखो ये 4/12, इनको कितना पदीय व्यंजक है ये बताओ, ये कितना पदीय व्यंजक है बोलो, एक पदीय है कि दो पदीय है, तीन पदीय है, कितना पदीय है? आपका बुक मैं ओपन कर लेता हूं, 2.1 आप लोग किताब ओपन कर लीजिए, कक्षा 9 की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। कौन एक चर में बहुपद है और कौन नहीं है? चर पद तो आप लोग सीख ही गए हो, तो पहला क्वेश्चन मैं करवा ही देता हूं, लेकिन वैसे ये इंट्रोडक्शन का पार्ट था, क्वेश्चन करवा दूंगा तो आप लोग कंफ्यूजन में रहोगे। ठीक है, फिलहाल देखो बच्चा ये एक पदीय व्यंजक है, ये एक पदीय व्यंजक है, क्यों? क्योंकि इनको हम सोल्यूशन जब करेंगे तो ये एक बन जाएगा। जैसे देखो ये 2 से कट जाएगा, 2 2 4, ये 3 से कट जाएगा, 3 4 12, फिर ये कट जाएगा, 2 1 2 2 2 4, यानी नंबर 1 और 2 बच रहा है बस, यक्स यक्स कट गया, सिर्फ ऊपर वाई बच रहा है, ऊपर वाई बच रहा है, और 1 बच रहा था, 1 में मल्टीपल हो जाएगा, वाई रहेगा, नीचे 2 बच रहा था, वाई अपॉन 2। बोलो कितना आएगा? भाई कहाँ गए, कॉमेडी वाले भाग गए का? आप लोग जानते हो कॉमेडी वाले कौन है कि नहीं जानते हो? कितने लोग जानते हैं? चलो ये हो गया, इसको लिख लो आप लोग। एक और बताओ, क्वेश्चन बताते रहो, बीच में कॉमेडी करते रहो, मजे करते रहो, पढ़ते रहो, लेकिन देखो एक और, ये 12xy का स्क्वायर प्लस 9x और y का स्क्वायर, समझना है यहां पर, ये दोनों जुड़ेगा क्या?
ये दोनों जुड़ेगा क्या, बोलो हाँ या नहीं। आंसर नहीं दे रहे तो मुझे लग रहा है भाग गए, पढ़ क्या रहे हैं फिर हाँ? आप लोग आंसर नहीं देंगे तो कैसे पता चलेगा। ये जुड़ेगा कि नहीं, देखो इसमें यक्स का स्क्वायर है याद रखना, ये इसके खोपड़ी पे है यक्स के, और ये वाई के खोपड़ी पर है, तो ये दोनों जुड़ेगा कि नहीं। शिवम विश्वकर्मा, देखो अभी इस समय नाइन्थ में बच्चे कम हो गए इस टाइम, मुझे लग रहा है टेंथ वाले बच्चे ज्यादा कोशिश कर रहे हैं क्लास के लिए, क्योंकि सब बच्चे हमारे जो नाइन्थ में थे टेंथ में चले गए, तो हमारी कोशिश है इस टाइम हम टेंथ का क्लास चलाएं अपना। चलिए इनको आप देखिए, जुड़ेंगे नहीं, ये नहीं जुड़ सकते हैं भैया, इनकी घात अलग है, इनकी अलग है। ये यक्स की दो है, ये वाई की दो है, समझ रहे हो ना। जब तुम एक पैर में जूता पहन लो, दाहिने वाले में तुम्हारा दोस्त बाएं वाले में पहन ले, और दोनों जूता कोई ना पहने, तो कितने अच्छे लगोगे दोनों, है ना। वैसे ही तो ये जुड़ नहीं सकता है, ये दो पदीय व्यंजक है। कितना है ये, दो पदीय व्यंजक है। अच्छा थोड़ा एक आध उठी और कर लो, नीचे दिख रहा है ना सबको क्लियर। अगर ये कैलकुलेशन आपका बेसिक एकदम जीरो लेवल वाला जो है क्लियर हो गया ना, तो नाइन्थ में जो बहुपद आपको पढ़ना है मुझे पढ़ाना नहीं पड़ेगा, आप सभी खुद पढ़ जाओगे इसे। 2.1 जो आपको पढ़ना है बहुपद, आपको पढ़ाना पड़ेगा ही नहीं। जैसे देखो 4x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, पहले तो ये बता इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, कितने प्रकार के वेरिएबल हैं, बोलो। वेरिएबल पढ़ाया हूं ना, चर पद, तुम्हें दिख रहा कि नहीं, आंख खोलो, कितने प्रकार के हैं। गीता श्रीवास, विजय, सनी देवल पासवान, बताइए जवाब दीजिए कितने प्रकार के हैं। ओके मास्टर जी कौनो कह रहा है, ठीक है, अच्छा है, खोपड़ी तो वहीं तक फिराता है भाई, क्या बताएं, किसी की नजर लग गई है भगवान ले जाने वाले। देखो इधर, इसमें सिर्फ यक्ष है, इसमें भी यक्ष है, इसमें तो कुछ है नहीं, तो एक ये दो जगह लिखा है लेकिन है वही, ठीक है, एक चर में व्यंजक है ये। अगर पहले क्वेश्चन पर हम चलें 2.1 में नाइन्थ वाले, वैसे तो मैं कल इसको पढ़ाऊंगा, तो 2.1 का पहला क्वेश्चन है बेटा, कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में व्यंजक है, एक चर में बहुपद है, और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो ये एक चर में है, अच्छा अगर मैंने दूसरा लिखा, मान लो 10x का स्क्वायर प्लस 9x वाई और प्लस 7z, इसमें कितने प्रकार के चर पद हैं, कितने प्रकार के वेरिएबल हैं इसमें, बोलो बताओ ना, कहे शर्मा रहे हो। और ये जो बच्चे आधे से ज्यादा सेशन को लाइक नहीं किए बाबू, आप लोग क्लास को लाइक किया करिए, ऐसे मजा नहीं आती है, ठीक है, लाइक किया करिए, आपकी जिम्मेदारी होती है, और सेशन को शेयर जरूर किया करें, हमारी नजर लग गई, हमें लग रहा है लगाए हो तुम लोग नजर, कुछ ऐसे ही है, अच्छा किए लगा दिए, बढ़िया है, वैसे भी सब निशाना लगा रहे हैं जिंदगी मेरे। इसमें तीन प्रकार के हैं, तीन प्रकार के हैं, देखो एक्स, इसमें एक्स वाई है, यानी वाई भी एक नया है, इसमें जेड है, तो तीन वेरिएबल हैं, कितना है, तीन वेरिएबल हैं। आगे देखो एक और मैं पूछता हूं, ध्यान देना, ये बता भैया कि वाई प्लस 2/y इसमें कितने वेरिएबल हैं, कितने चर पद हैं इसमें, एक और बताओ, डी नंबर टी अंडर रूट 3 प्लस टी स्क्वायर और अंडर रूट 7, इसमें कितने वेरिएबल हैं,
कोई कह रहा है नींबू मिर्च लटका के रखिए, कल से मैं नींबू मिर्च का माला पहन के आऊंगा फिर ना। हाँ तो तुम लोग की नजर नहीं लगेगी, नहीं तो कान वान में टांगे रहूंगा। हाँ अच्छा है, पढ़ाते टाइम ज्यादा दर्द होता है क्योंकि खोपड़ी घुमाना पड़ता है इधर उधर, और यहाँ से ऐसे देखना पड़ता है, एक बार इधर एक बार उधर, वैसे नॉर्मली दिन में जाना ही नहीं पड़ता है। तेल और जवाइन, जवाइन मिली नहीं यार, मैं जाऊंगा लेके आऊंगा खोज के आज। देखिए इसमें एक है चार पद है, अगर बात करें ये कितना पदीय व्यंजक है, तो कितना पदीय व्यंजक है ये, एक पदीय या दो पदीय? ये दो पदीय व्यंजक है ना, इसमें भी एक अचर है, सिर्फ टी है, सिर्फ टी है, टी फॉर टेलीफोन, इसमें वाई है, वाई फारे लो, क्या है वाई, वाई फारे लो, डीएलएड का क्लास पीबीआर स्टडी ऐप में उपलब्ध है, जाकर के देख लीजिए, काहे को परेशान करें भाई, नजर उजर लगा रहे हैं। पीबीआर स्टडी ऐप में है, यूट्यूब पे सारा पढ़ा दिया हूँ, रिवीजन भी करवा दिया हूँ, और क्या मेरी जान लेना चाहते हो? हाँ क्या करूँ, हमेशा वही पढ़ाता रहूँ एक चीज, हमारे चाहने वाले चाहने वाली गरियाती हैं, ये रोज काहे पढ़ाते हो? इतना लगाव हो गया इन लोगों से, सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसमें सिर्फ लड़कियां लड़कियां जुड़ती हैं, लड़के जुड़ते नहीं है। डिक्लोफेनेक जेल आईपी, ये भैया ये दवा काहे को, ये कोई बीमारी थोड़ी हुई है, चलो देख लेते हैं। ठीक है फिलहाल आज के लिए इतना ही, आप सभी का कोई सवाल है क्लास के बारे में तो बताइए, मिलते हैं फिर कल की क्लास में।